आज मेरे साथ मौजूद है शबाना। आइए शबाना से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शबाना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा शबाना, मुझे बता रही थी वो एक अपने बेटे के बारे में, वो जो पानी वाला एक हादसा हुआ था। नहीं, इसे मैं पानी लेके जा रही थी ना जग में भर के। हाँ हाँ। फिर मेरा छोटा बेटा इसे भाग के आ गए थे, फिर उसके ऊपर गिर गया था। उफ़ अल्लाह। फिर इसको ज्यादा जल गया था? ज्यादा जल गया था, कान के ऊपर, सीने में भी और हाथ के बाजू में भी। और जिंदगी में मैंने कभी भी किसी के हाथ नहीं पहना। सही बात है मैं बच्चों शबाना, की वजह से बस क्या बोलूं। मैं आपको कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी कोई आप हाथ नहीं फैला रही, आप आके अपना इंटरव्यू दे रही हैं हमें। कोई सालन देते हैं बस इसे गुजारा। बड़ा अमी के घर में खाना बनता वो खाते, अपना नहीं कुछ नहीं बना मैं नहीं पाते। मांगती किसी से, मैं फिर भी देती है मेरे बच्चों को। अब आपकी जो आजमाइश है ना, ये अलग आजमाइश है। अब मुझ पर जो आजमाइश हो गया, रमजान में मैं अपने बच्चों को कपड़े दिला नहीं सकती, हर रमजान में ईद के टाइम पे। शबाना का इंशाल्लाह ताला हम आपको नंबर देंगे स्क्रीन पे। आपके पास फ़ोन है ना? जी ठीक है ना, वो नंबर हम स्क्रीन पे चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप शबाना की प्लीज़ हेल्प कीजिए। आप अगर चैरिटीज़ में आगे हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्यारी बहन जो शबाना मेरे साथ सिर्फ मौजूद हैं, इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप डायरेक्ट कॉल करके इनकी हेल्प कीजिए। याद रहे कि इनके बच्चे जो हैं वो कभी खाना खाते हैं और कभी नहीं खाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ सेगमेंट एक दिन की नेकी में। आज मेरे साथ मौजूद है शबाना। आइए शबाना से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप शबाना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अच्छी गुजर रही है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? आप मैरिड हैं? जी बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या एज है उनकी, क्या उम्र होगी? सबसे बड़ा वाला लड़के का 11 साल है। अच्छा, सबसे जो बड़ा बेटा है आपका वो 11 साल का है। क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। अच्छा शबाना, मुझे बता रही थी वो एक अपने बेटे के बारे में, वो जो पानी वाला एक हादसा हुआ था। आप बताना चाहोगी लोगों को? बताओ। मैं इसे गर्म पानी लेके जा रही थी ना, तो फिर मेरा छोटा बेटा इसे भाग के आ गए थे, फिर गर्म पानी उसके ऊपर गिर गए थे। और वो गर्म पानी आपने किया होगा यकीनन बच्चे को नहलाने के लिए, जी है ना? तो उसमें ठंडा पानी सिर्फ मिक्स नहीं था, बिल्कुल गर्म पानी था। जी कोई भी नहीं था, मेरे सब कोई भी नहीं था, इसीलिए लेके जा रही थी। हाँ, मुझे क्या पता मेरे खेल खेल में गिर गया। नहीं, इसे मैं पानी लेके जा रही थी ना जग में भर के। हाँ। फिर मेरा छोटा बेटा इसे भाग के आ गए थे, फिर उसके ऊपर गिर गया था। उफ़ अल्लाह। फिर इसको ज़्यादा जल गया था? ज़्यादा जल गया था, कान के ऊपर, सीने में भी और हाथ के बाजू में भी। और कितना बड़ा था उसको? 6 साल का था। उफ़ अल्लाह। फिर क्या किया ज़रा शबाना बताना, ताकि लोगों को आइडिया हो। मैंने तो सुना कि अगर कोई जल जाए तो कोकोनट ऑयल लगा लेना चाहिए फौरन, तो आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? मैंने समझा टूथपेस्ट होगा, टूथपेस्ट की जगह पे मैंने जो दाने वाला टूथ जो नहीं वो लगा दिया। फिर बेटा इतना रो रहा था, मेरे को क्या जाहिर है इसको तकलीफ हो रही होगी। हाँ, वजह से फिर बच्चे को 5 नंबर लेके गए थे, फिर उसका चमड़ी जो है ना वो निकाल लिया था, फिर उसको पट्टी वट्टी करके दिया। फिर सही होते, फिर रात। और ये सर्दियों के दिन थे या गर्मियों के? सर्दी के दिन। सर्दी के दिन थे। अच्छा ठीक है, ये कब हुआ है? बिन 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो गया। अब वो सारी पट्टियाँ सब उतर गई हैं? उतर गई, लेकिन गोज बढ़ गया है। डॉक्टर बोल रहे हैं अभी इसका सर्जरी करवाना है। कैसे सर्जरी? वो जो स्किन निकल गई है उसकी, वो हाँ उसके ऊपर स्किन लगानी है इसलिए? नहीं, वो कह रहा है गोश को हम लोग सर्जरी करेंगे, फिर गोश एकदम लेबिन सा हो जाएगा। तो अभी गोश में मतलब वो कुछ क्या है? जख्म है, वो रात को सो नहीं सकता, इतना कुछ आता है रात को, बुखार भी होता है, ऊपर से मेरा शोहर भी बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। हाँ, उन्हें क्या हुआ है? उन्हें टीबी हुआ है, सांस की बीमारी है। 5-6 महीने हो रहा वो काम कर नहीं सक रहा। पहले मैं काम पे तो जाती थी जी, फिर अभी काम पे जा नहीं सक रहा। अभी शोहर भी इतना बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बच्चे को देखो या शोहर को देखो,
सही बात है, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है और दोनों तरफ देखना, एक तरफ औलाद और एक तरफ आपके शौहर। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देंगे जिस तरह से आप खिदमत कर रही हैं। मगर इन तमाम मामलात में जो असल चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रोज़गार। वो होना चाहिए इंसान के पास। जैसे आपके लिए बच्चे का इलाज कराना है तो बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए, शौहर का इलाज कराना है शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए जी, घर में खाना बनाना उसके लिए पैसे चाहिए। तो आप तो नहीं कर सकती हो काम, क्योंकि आप तो बता रही जिस तरह बच्चा जो है तकलीफ में है, खारिश होती है जख्म में और ये सारी चीज़ें, ये आसान नहीं है। आपको अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है और ये बहुत हौसले वाली बात है। मगर फिर सारी बात वहीं पे आ जाती है कि रोज़गार, रोज़गार होगा तो किराया भी होगा, किराया हम दे सकेंगे, बिजली के बिल पे कर सकेंगे, जो कि बिजली आती नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? कोरेंगी स्पॉट। बिजली आती है वहाँ पे? आती है लेकिन चली जाती है घड़ी घड़ी। हाँ, थोड़ी देर बाद चली जाती है। गैस का इशू है वहाँ आपके इलाके में? ही ही। है तो बस वही ना, मतलब कितनी मुश्किल, मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी अगर आप सोचो तो वो है। तो शबाना से आप मिले, शबाना ने अपनी स्टोरी आपको सुनाई। शबाना, कुछ और जो मुझे नहीं पता या आप ऑडियंस को बताना चाहती हो तो बता सकती हो? कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ और कहना है? मदद तो मांग रही थी सब लोगों से लेकिन किसी ने नहीं किया। फिर रास्ते में मैं जा रही थी ना पैसे लेने उसे मदद करने के लिए, फिर एक लड़के ने देखा था, फिर बोला बाजी आप इतनी रात को कहाँ जा रही ठंड में, बोला मेरा बेटा इतना रो रहा है जल गया। फिर एक आदमी ने मेरे को एक दिन के बाद जो पट्टी होती थी ना मेरे बेटे की, उसने 1200 रुपये एक दिन के बाद मेरे बेटे को दे दी थी। देखो अल्लाह कैसे जरिया बनाता है। फिर बोल रही बाजी आप कितना रो रही, क्या करूँ बच्चे के लिए, जिंदगी में मैंने कभी भी किसी के हाथ नहीं पहना। सही बात है, बच्चों की वजह से बस क्या बोलूँ। नहीं, आपको कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी कोई आप हाथ नहीं फैला रही, आप आके अपना इंटरव्यू दे रही हैं हमें, आप में इतनी हिम्मत है कि आप आके अपने बारे में बता रही हैं। लोग तो नहीं कर पाते इतना, खिदमतें तो नहीं होती किसी से, लोग घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। अभी 3 महीने का किराया दे नहीं सकती ना, इसलिए अबू ने जनील कर रहा था। फिर अबू ने मेरे अपने घर पे रखा, बोला मेरा एक कमरा है उधर रह जा। अबू के साथ हो? जी नीचे, अभी 2 महीना हो रहा अबू के साथ में, अबू से बर्दाश्त नहीं हो रहा इस। तो एक ही कमरे में आप बच्चे और सब लोग हैं? हाँ, जाहिर है ये वाले नहीं होते जो औलाद के काम आते हैं। हाँ ये तो बात है, ये तो बस है, बीमार है अभी अब लोग से कैसे मांग मेरा। मैं भी सही बात है, उनकी भी टाइम है, एक मेरे को घर दिया मेरे लिए वो एक हफ्ते। सही बात, मेरे पास नहीं होते मम्मी लोग देते हैं जो हो, कोई सालन देते हैं बस इसे गुजारा। बड़ा तो अम्मी के घर में खाना बनता वो खाते, अपना नहीं कुछ बना नहीं मांगते किसी से, फिर भी देती है मेरे बच्चों को। फिर पड़ोसी लोग भी देते मेरे को वही खाने थे बच्चे लोग। मैं तो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते मांगने के, अभी बच्चे ऐसे हालत में हो गए, शोहर भी इस हालत में हो गए, अभी तो मांग आसमाइश से चली जाएगी इंशाल्लाह ताला, बेटा भी ठीक हो जाएगा। बड़ा वाला लड़का है सब्जी बेच रहा है, अच्छा पहलाते हैं, अच्छा सब्जी वब्जी देते हैं, फिर मैं क्या करूँ। हाँ सही बात है, 200 रुपये दिन में क्या बोलते वो। जी बिल्कुल, मैं तो समझ सकती। बच्चे ऐसे भूखे रह जाते हैं, एक वक्त खाते हैं दूसरे वक्त भूखे रहते हैं, परेशानी हो जाती है। शोहर के लिए दवाई भी लाना पड़ता है, पहले तो सस्ती थी अभी तो हर चीज महंगी हो गई, दवाई भी महंगी, दवाइयाँ भी महंगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो अस्पताल लेके जा नहीं सक रहा शोहर को। हॉस्पिटल्स कितने महंगे हैं शबाना, उनका आना जाना मतलब खर्चा, ये वो सही सारी चीज़ें जो कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आसान नहीं, ये सब बहुत मुश्किल है। और शबाना का इंशाल्लाह ताला हम आपको नंबर देंगे स्क्रीन पे, आपके पास फ़ोन है ना? जी ठीक है ना, वो नंबर हम स्क्रीन पे चलाएँगे इंशाल्लाह ताला। आप शबाना की प्लीज़ हेल्प कीजिए, आपने यकीनन गौर से सुना होगा कि ये सफ़ेद पोश है, ये भी किसी से नहीं मांगती हैं, घर में खाना ना बने अगर माँ बाप दे दें, माँ बाप ने साथ रखा है क्योंकि अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ही खाना खा लेती हैं। और कह रही हैं कि काफ़ी दिन तक बच्चों को तो खाना भी नहीं मिलता, और एक बेटा जो इनका जल चुका है आज तक उसका, उस बच्चे का प्रॉपर इलाज नहीं हो सका, जबकि हो सकता है जो जगह उसकी जल चुकी है वहाँ पर उसको खारिश होती है,
और उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन क्या है कि पैसे चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनके हस्बैंड टीबी है, उन्हें टीबी वो बीमार है, पिट्ठे में भी पथरी हुआ है, को उसका भी ऑपरेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ क्या है कि पैसों की ज़रूरत है। या तो इनको आपको रोज़गार दे दें कि ये काम कर सकें, नहीं तो ये है कि आप अगर चैरिटीज़ में आगे हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्यारी बहन जो शबाना मेरे साथ सिर्फ मौजूद हैं, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप डायरेक्ट कॉल करके इनकी हेल्प कीजिए। याद रहे कि इनके बच्चे जो हैं वो कभी खाना खाते हैं और कभी नहीं खाते हैं। तो मैं प्रोग्राम को यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कभी कभार मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रही होती कि मैं क्या बोलूँ, इंसान हूँ मैं भी, इतना सब कुछ सुनना मेरे लिए भी आसान नहीं होता। तो बस रमज़ान मुबारक, और शबाना हम आपके लिए राशन लेके आए हैं तोहफे के तौर पर, उम्मीद करती हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगी प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से। ईद के जोड़े भी हैं और आपने परेशान नहीं हो, और रोना तो आपने बिल्कुल भी नहीं है, रोना तो जैसे बिल्कुल मना है, खुश रहना है। अब आपकी जो आजमाइश है ना, ये अलग आजमाइश है। अब मुझ पर जो आजमाइश होगी, रमजान में मैं अपने बच्चों को कपड़े दिला नहीं सकती, हर रमजान में ईद के टाइम पे। अब की बार आप दिलाओगी इंशाल्लाह, अब की बार आप दिलाओगी इंशाल्लाह। हाँ दिलाऊंगी, अल्लाह ने चाहा तो। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला, आपका भी मैं भी इनसे, क्योंकि आप अपना नंबर दोगी ना तो मैं भी लूंगी, तो आप देख लो इंशाल्लाह ताला। बच्चे ना, बच्चों की तो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश तो वो तो नहीं समझते कि हालात क्या है, कमाना क्या है, पैसा क्या है, ज़रूरत क्या है। माँ बाप तो माँ बाप है ना, हर चीज़ समझते हैं। माँ बाप तो नहीं पहनेगी, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, नहीं आज इंशाल्लाह ताला आप चाहेंगे तो आप भी पहनेंगी, क्यों नहीं पहनेंगी, इसमें जोड़े हैं, और आपके हस्बैंड भी पहनेंगे और बच्चे भी पहनेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगी, मैं इनसे कोशिश नहीं बल्कि मैं इनसे आपका नंबर भी लूँगी और मैं आपको रास्ता भी करूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है, पता है जो बंदा बीमार होता है ना, वो तो बीमार होता है, लेकिन उसके साथ खिदमत कर रहा होता है ना शबाना, वो ज़्यादा थक जाता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अल्लाह करे आपका अपना घर हो, आपके वसाइल बने, और जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं आपको सपोर्ट करें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी बहन खुश रहे। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।